छोटी न्यूज़ रिपोर्ट और आज हम आए हैं साइंस म्यूजियम में। आप जैसे के पीछे देख सकते हैं साइंस म्यूजियम, उधर हम साइंस म्यूजियम के अंदर जाएंगे, वहां वीडियो लेंगे और बहुत खूब मजे करेंगे। तो अभी के लिए बाय बाय, बाद में करते हैं दूसरा वीडियो। मैं हूँ छोटी न्यूज़ रिपोर्ट और आपको जैसे कि मालूम होगा कि हम प्लैनेटोरियम गए थे। मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि हम घूम जाएंगे, फिर मैं वीडियो डालूंगी। तो आइए अब लोगों से पूछते हैं कि प्लैनेटोरियम में उन्हें कैसा लगा। हेलो, प्लैनेटोरियम में आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, और मेरे को ऐसा लगा कि हम रियल स्पेस में रॉकेट में बैठे हैं और हम सैर कर रहे हैं। और आपको प्लैनेटोरियम में उसके बारे में क्या क्या जानकारी? प्लैनेट्स कैसे बने, सोलर सिस्टम कैसे बना, यूनिवर्स के बारे में बताया, स्टार्स कैसे बने, पहले स्टार्स कौन थे वो सब। और कुछ? हाँ, कि जुपिटर को कितने मून्स होते हैं। जुपिटर को कितने मून्स होते हैं आप बता सकते हैं? 4 मून्स होते हैं। और अर्थ देखा आपने, कैसे प्लैनेटोरियम में ये सब सोलर सिस्टम और बाकी चीज़ों के बारे में सीख मिलती है। अभी के लिए इतना ही, बाय बाय। मैं हूँ छोटी न्यूज़ रिपोर्टर और आज हम मिलते हैं फिर से। तो अभी हम आए हैं एक छोटे से लैक्टोलाइल में, थोड़ा जूस वूस जो भी स्नैक्स खाने खाना है इधर, इसलिए हम आए हैं। और हम इधर, अगर आप टायर्ड हो तो आप इधर आ सकते हो और उधर कुछ भी खा सकते हो, जैसे कुछ बर्गर्स, जूस, बर्गर्स है, बर्गर्स देखिए, बर्गर्स, जूस, कॉफी, कुछ भी पी सकते हो, कुछ भी खा सकते हो। और अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। छोटी न्यूज़ रिपोर्टर और हम अब फिर से मिलते हैं और लेते हैं किसी और का इंटरव्यू। चलो तब पूछते हैं। हेलो, मास्क को तैयार है? नहीं, मैं पब्लिक में नहीं आना चाह रहा हूँ, हम इंटरव्यू ले रहे हैं। आप पूछे मैडम, क्वेश्चन पूछिए, मैं आंसर देता हूँ। आपको ये म्यूजियम में कैसा लगा? अच्छा है मैडम, बहुत सालों के बाद आए, जब छोटे थे तब आए थे, उस टाइम कंस्ट्रक्शन हो रहा था, अभी तो बहुत बन गया है, बहुत सारे चीज़ें बन गई, म्यूजियम है, प्लैनेटोरियम है। प्लैनेटोरियम में आप ऊपर गए तो आपको पूरा सोलर सिस्टम दिखाते हैं वीडियो में, तो एक स्टोरी बताते 30 मिनट्स का, अच्छा है, बहुत अच्छा बना दिया अभी। और अब जब बचपन में गए थे तब कैसा था ये? उस टाइम में सिर्फ डायनासोर वाला पार्ट था मैडम, डायनासोर का है, डायनासोर के पूरे बोन्स वगैरह आप देख सकते हैं, डायनासोर बोल के एक म्यूजियम है, वहाँ पे डायनासोर का पूरा फेसल्स वगैरह रखे से है, तो वहाँ पे पहले वो ही था मैडम, और कुछ भी नहीं था। और उसके बाद कुछ हुआ क्या उधर? उसके बाद तो अभी और भी बहुत कुछ बना दिया, थोड़ा थोड़ा एक्सटेंड करते जा रहे, अभी काफ़ी बड़ा बना दिए, अभी प्लैनेटोरियम है, म्यूजियम है, आर्ट गैलरी। आपने क्या क्या देखा? हमने आर्ट गैलरी देखा मैडम, म्यूजियम देखा, डायनासोरस का देखा, फॉसिल्स देखे उसके, और हम लोग प्लैनेटोरियम भी देखे। और क्या? और तो कुछ भी नहीं मैडम, इधर अगर आप लोग घूमने आए तो, ये हैदराबाद में है मैडम, आप घूमने आए टायर्ड हो गए तो आपको यहाँ पे रिक्रिएशन का भी एक रिलैक्स के लिए भी कैफेटेरिया है, कैफेटेरिया है मैडम छोटा सा, वहाँ पे आप बर्गर, कॉफ़ी, पब्स और ये सब ऐसा खा सकते, थोड़ा थोड़ा स्नैक्स आइटम रहता अवेलेबल, वो खा के वहाँ थोड़ी देर बैठ के आप रिलैक्स करके फिर वापस से कंटिन्यू कर सकते। और उसके बाद आपको बहुत मज़ा आया कि मज़ा ही नहीं आया? अच्छा है मैडम, बहुत अच्छा है, फैमिली के साथ दिन में टूर करें तो अच्छा है, मॉर्निंग अर्ली मॉर्निंग ऐसा आके यहाँ पे ओपनिंग के टाइम से अगर देख लिया तो अच्छा घूम सकते, टाइम बहुत लगता है, बहुत स्पेशियस है, तो बहुत बड़ा है इसके थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है। और उसके आगे या सामने कहीं घूमना है आपको? ये बिरला प्लैनेटोरियम है मैडम हैदराबाद का, इसके बाजू में बिरला का बहुत बड़ा टेम्पल भी है, बिरला टेम्पल। और
वो भी जाके देख अभी हम लोग देखेंगे। अच्छा थैंक यू, थैंक यू मैडम, थैंक यू रिपोर्टिंग के लिए भी, थैंक यू रिपोर्टिंग के लिए। और अब आपकी वीडियो होती है खत्म और बाद में हम करेंगे एक और वीडियो और इंटरव्यू के लिए। थैंक यू, थैंक यू मैडम, ओके।